सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और ऐसे जोगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में बजट 2020 आया जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी किया था, पूरे हाइलाइट्स डिस्कस करे थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बजट के साथ आ गई काफी सारी कंफ्यूजन, स्पेशली इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर। नया टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है बजट 2020 के अंदर, जिसके अंदर स्लैब्स तो बढ़ा दिए गए हैं लेकिन साथ में टैक्स रेट कम कर दिया गया है। लेकिन साथ में ऑप्शन दे दिया गया है लोगों को कि आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन यहां पे ये हो गई कि हर बंदे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंडिविजुअली कि उसको पहले वाला टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए या फिर नया वाला। इसके अलावा काफी सारे क्वेरीज हमारे को लास्ट वाले वीडियो में ये भी आए थे कि ये जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का ब्रैकेट है, इस पे 0% टैक्स लगता है या फिर 5% टैक्स लगता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन मैं दूर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ में हम एंड में इस रिजल्ट पे अराइव करने की कोशिश करेंगे कि हर टैक्स ब्रैकेट में आप कितने तक की डिडक्शन क्लेम करें कि आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेनिफिशियल हो जाए। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा जिससे आप अपने लिए भी कैलकुलेशन कर सकें। चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टैटिस्टिक्स शेयर कर लेता हूं। लास्ट ईयर 5.8 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल करे थे, उसमें से लेस देन 9% लोगों ने 2 लाख से ऊपर का डिडक्शन क्लेम किया था और लेस देन 1% लोगों ने 4 लाख से ऊपर का डिडक्शन क्लेम किया था। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर ब्रैकेट के अंदर कितना अगर हम डिडक्शन क्लेम करते हैं तो हमें पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर फायदा होने वाला है, अदरवाइज हो सकता है हमें नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर फायदा हो। साथ में ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और नए टैक्स स्ट्रक्चर के फायदे नुकसान भी हम एक बार देख लेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम टैक्स स्लैब्स को अच्छे से समझ लेते हैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए, अप टू 2.5 लाख तक का तो काफी क्लियर है, ओल्ड रेट भी 0% है, न्यू रेट भी 0% है। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक लोगों को काफी कंफ्यूजन है। अब यहां पे आप समझ लीजिए कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख हो जाती है, यानी कि मान लीजिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आप कुछ सेविंग्स कर लेते हैं, कुछ डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अगर नीचे आ जाती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस केस में आपका 0% टैक्स रेट हो जाता है। सिमिलरली नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर भी ये रिबेट आपको अवेलेबल है, यानी कि अगर आपकी 5 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपका 0% ही रहेगा टैक्स रेट। लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना भी पोर्शन है, लेट से नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 5 लाख से ऊपर निकल गई, मान लीजिए 6 लाख की आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई, तो जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का पोर्शन होगा उस पर 5% का टैक्स लग जाएगा। सिमिलरली न्यू रेट में भी आपका 5% का टैक्स लग जाएगा अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम नए रेट में भी 6 लाख की है तो आपको 1 लाख प्लस 2.5 लाख से 5 लाख पे तो आपको 5% लग जाएगा और जो 1 लाख का पोर्शन होगा वो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में चला जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, 5 लाख से जो 7.5 लाख तक का टैक्स ब्रैकेट है वो ओल्ड स्ट्रक्चर के अंदर 20% के हिसाब से टैक्स होता था। इनफैक्ट 5 लाख से लेके 10 लाख तक का जो पोर्शन था वो 20% के हिसाब से टैक्स होता था ओल्ड रेट में। नए रेट में ये स्लैब को डिवाइड कर दिया गया है, 5 से 7.5 लाख तक अब 10% का टैक्स रेट होगा, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक अब 15% का टैक्स रेट होगा और पहले तो ये 20% का ही था। 10 लाख से लेके 15 लाख तक का जो टैक्स ब्रैकेट था वो पहले 30% था, इसको भी अब फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, 7.5 से लेके 10 लाख तक अब आपका 20% का टैक्स रेट लगेगा, 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक अब आपका 25% का टैक्स रेट लगेगा और 15 लाख से ऊपर तो 30% का पहले भी था और अब भी 30% का रहेगा। लेकिन यहां पे आप एक कैच समझ लीजिए, ये जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते थे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, वो तो अब आप क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप ये नया टैक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर टैक्स रेट्स कम हो गए हैं इसके अंदर आप अपने डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। और ये जो डिडक्शंस हैं ये कई बार काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन हो जाता है और इससे काफी अच्छी टैक्स सेविंग्स हो जाती हैं। तो चलिए अब हम ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि कितने टैक्स ब्रैकेट में कितने तक डिडक्शन करने में आपको फायदा होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने एक वर्कशीट बनाई है जिसके अंदर आप कैलकुलेशन अपने लिए कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी ग्रॉस इनकम डाल सकते हैं और ये जितने भी आप ऑरेंज कलर से सेल्स मार्क्ड देख रहे हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए, मैंने यहाँ पे ओल्ड रेट और न्यू रेट के हिसाब से टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% के हिसाब से हमें टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है तो ये जो 2.5 लाख का पोर्शन है इंटू 5% आपका हो जाएगा टैक्स अमाउंट 12,500 का। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% का टैक्स ब्रैकेट होता है ओल्ड रेट के हिसाब से, तो ये ऊपर वाला जो 2.5 लाख का पोर्शन है ये हो गया 50,000 और यहाँ पे ये वाला हो गया 50,000, यानी कि 2.5 लाख इंटू 20% अगर हम करेंगे तो 50,000, 2.5 लाख इंटू 20% फिर से करेंगे तो 50,000। इस तरीके से मैंने हर ब्रैकेट के लिए ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर दिया है।
सिमिलरली न्यू रेट के अंदर भी हमने ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर दिया है, 5% का जो पोर्शन है 2.5 लाख के लिए वो 12,500 हो जाता है, 10% ऑफ यहाँ का जो 2.5 लाख का पोर्शन है वो 25,000 हो जाता है, 15% ऑफ 2.5 लाख आपका 37,500 हो जाता है, 20% आपका 50,000 हो जाता है और 25% आपका 62,500 हो जाता है। सो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पकड़ के चलूंगा। यहाँ पे हम 15 लाख तक की इनकम का एक बार टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करते हैं अलग अलग डिडक्शंस के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 5 केसेस बनाए हैं। अगर कोई बंदा काफी कम डिडक्शंस क्लेम करता है, उसको हमने कह दिया है लेट से बंदा ए, उसके बाद दूसरा बंदा है लेट से मीडियम डिडक्शंस क्लेम करता है वो हो गया बी, हाई डिडक्शंस क्लेम करने वाला सी, वेरी हाई डिडक्शंस क्लेम करने वाला डी, और ब्रेक इवन कितने पे होगा यानी कि न्यू टैक्स स्ट्रक्चर और ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में, वो हमने केस समझ लिया है ई। सो ग्रॉस इनकम अभी हमारी हर केस के अंदर 15 लाख लेके चलेंगे और ये अलग अलग तरीके की डिडक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एचआरए की आपको एग्जेम्पशन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की होती है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि जो आप इंटरेस्ट क्लेम करते हैं उसकी वजह से आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, तो आपकी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। उसके अंदर से आपको अंडर सेक्शन 80C जो आपकी वेरियस इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, पीएफ, पीपीएफ, ईपीएफ, इनमें पैसा डाल सकते हैं, ईएलएसएस स्कीम ले सकते हैं, यूलिप ले सकते हैं, एनपीएस ले सकते हैं, ये सब आपके 80C के अंदर आ जाते हैं जिसकी लिमिट 1.5 लाख तक की होती है। सेक्शन 80D के अंदर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस को कवर करता है। सो ये अगर हम सारी डिडक्शंस अलग अलग केस में देखें तो हम एक बार अपनी नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अपना टैक्स देखेंगे ओल्ड स्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर मान लीजिए किसी की 15 लाख की इनकम है, वो खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ही क्लेम करता है, इसके अलावा मान लीजिए वो कोई भी सेविंग नहीं करता है, किसी तरीके की कोई एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करता है, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 14.5 लाख की। सो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर उसका कितना टैक्स बनेगा, तो यहां पे देखिए 14.5 लाख में वो कौन से ब्रैकेट में आएगा, वो ये 30% वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर तो 30% का ब्रैकेट है ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहां पे देखिए वो कैसे कैलकुलेट करेगा, मैंने यहां पे इनफैक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। हम क्या करेंगे, सम ऑफ कि कौन कौन सा पोर्शन लेंगे, हम यहां पे ये वाला सारा पोर्शन ले लेंगे और 10 लाख से ऊपर का जो ब्रैकेट है वो 30% के हिसाब से होगा, यानी कि 4.5 लाख पे 30% का होगा। तो ये वाला पोर्शन तो मैं एज इट इज पूरा पूरा ले लेता हूं, प्लस हम 30% लेंगे यानी कि 0.3 × हम कितना पोर्शन करेंगे, 4.5 लाख पे 30% लगना है, तो मैं यहां पे 4,50,000 कर दूंगा, ये देखिए, और मैं अपना यहां पे ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब इस ओवरऑल अमाउंट के ऊपर 4% का सेस भी लगता है, एजुकेशन सेस जो होता है, तो हम ये पूरा ब्रैकेट लगा के इंटू 1.04 कर देते हैं। तो ये देखिए एंटर करते हैं तो आपका जो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो टैक्स आया है वो 2,57,400 रुपए आया है। अब सेम चीज अगर मेरे को नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स रेट कैलकुलेट करना है इस केस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे तो देखिए किसी भी तरीके की कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये हम अपने टैक्स स्लैब देखेंगे कि कहां पे हमारा फॉल कर रहा है, तो हमारा फॉल कर रहा है 12.5 लाख से 15 लाख तक। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा ऐड कर दूंगा और इनटू 1.04 कर दूंगा। सो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, मैं यहां पे दोबारा से कर देता हूं इसको, इज इक्वल टू सम ऑफ हमारा क्या पोर्शन है, सम ये वाला पूरा का पूरा हम ऐड कर देंगे क्योंकि 15 लाख के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 से जो हमारा एजुकेशन सेस लगता है। सो हमारा नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो टैक्स कैलकुलेट होके आया वो 1,95,000 आ गया। तो अब हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, भाई नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर हम कम पैसा भर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां पे तो फायदा हो गया, क्योंकि हमने डिडक्शन तो क्लेम ही नहीं करे यहां पे कुछ खास। सो यहां फायदा हो गया 62,400 रुपए का। तो अगर कोई बंदा इस टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर है और वो डिडक्शंस बिल्कुल क्लेम नहीं करता है तो उसे अच्छा खासा फायदा हो रहा है, तो यहां पे उसको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वो ये जो 62,400 की सेविंग है इसको अपने हिसाब से या तो खर्च कर सकता है या फिर अपने हिसाब से सेव कर सकता है या फिर इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम मीडियम डिडक्शंस वाला केस देख लेते हैं। अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की क्लेम करता है और साथ में ये जो आपका LIC और जितने भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सेक्शन 80C के अंदर, वो पूरा का पूरा क्लेम कर लेता है 1.5 लाख का, तो यानी कि लेट से वो 2 लाख तक का अगर डिडक्शन क्लेम करता है तो उसका ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर 2,10,600 रुपए का टैक्स लगेगा और नए स्लैब के हिसाब से 1,95,000 का लगेगा, तो यहां पे भी उसको 15,600 का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कोई हाई डिडक्शन क्लेम करता है, लेट से वो 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर लेता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, 2 लाख का वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लेम कर लेता है और 80C के अंदर 1.5 लाख भी क्लेम कर लेता है, तो यहां पे देखिए वो टोटल क्लेम कितना कर रहा है, 2.5 लाख और 1.5 लाख, 4 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर रहा है यहां पे वो, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 11 लाख और
ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो टैक्स लगेगा वो 1,48,200 का लगेगा, नए के अंदर 1,95,000 का, वो तो फिक्स्ड है। तो यहां पे हो गया है उसको लॉस 46,800 रुपए का। सिमिलरली वो वेरी हाई डिडक्शन क्लेम करता है, लेट से वो 3,60,000 का, तो HRA क्लेम कर लेता है। अब देखिए जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं वो महंगे घर में भी रहना पसंद करते हैं, तो हो सकता है 30,000 का यहाँ पे कोई बंदा रेंट भर रहा हो, तो वो 3,60,000 का तो HRA क्लेम कर लेगा, और HRA काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है काफी केसेस में। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 का हो गया, 1,50,000 का 80C के अंदर भी उसने क्लेम कर लिया, और 50,000 यहाँ पे भी उसने 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस भी क्लेम कर ली। तो देखिए टोटल यहाँ पे हो गया 2,00,000 ये और 50,000 ये हो गया 2,50,000 और प्लस 3,60,000। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा डिडक्शंस हो गई हैं, 6,10,000 की यहाँ पे टोटल डिडक्शंस इसने क्लेम कर ली हैं। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में ये खाली 1,14,000 का टैक्स भरेगा, नए टैक्स स्ट्रक्चर में ये 1,95,000 का, तो इसको यहाँ पे लॉस हो रहा है 80,000 रुपए का। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा काफी हाई स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्लेम करता है तो उसको फायदा होता है ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, और नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर फायदा उसको नहीं होने वाला है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये कितना ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब 1,500,000 के लिए अगर मैं आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो अगर आप कोई बंदा लेट से 50,000 यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता है, 1,50,000 का यहाँ पे 80C में और 50,000 का यहाँ पे 80D में, तो यहाँ पे 2,50,000 का अगर डिडक्शन क्लेम कर लेता है टोटल, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 12,50,000, और दोनों ही केसेस में अब उसका टैक्स जो बना है वो 1,95,000 बना है। तो यहां पे 1,500,000 से ज्यादा की अगर किसी की इनकम है और साथ में वो 2,50,000 से ज्यादा के टोटल डिडक्शंस क्लेम कर लेता है तो वो नेट नेट जीरो हो जाता है। तो 2,50,000 से अगर ज्यादा की डिडक्शंस क्लेम कर रहा है कोई बंदा तो उसके लिए बेनिफिशियल हो गया ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो ये कैलकुलेशन अपने लिए कर सकते हैं, वर्कशीट का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर आप और सिंप्लीफाइड चाहते हैं, आप कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, तो मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स बता देता हूं जिसको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी 7,50,000 की इनकम है और आप डिडक्शंस 1.25 लाख से ज्यादा के कर लेते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। अगर आपकी 10,00,000 की इनकम है और आप डिडक्शंस 1.87 लाख से ज्यादा के कर लेते हैं तो भी आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। अगर आप 12,50,000 की इनकम में है तो आपको करना पड़ेगा डिडक्शंस 2.08 लाख से ज्यादा का, तब आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। अगर आप 1,500,000 या उससे ज्यादा के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 2,50,000 से ज्यादा के डिडक्शंस क्लेम करने पड़ेंगे, तब आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आपके डिडक्शंस इन सब केसेस में कम होते हैं तो आपको न्यू टैक्स स्ट्रक्चर बेटर रहेगा जिसके अंदर आपका ज्यादा फायदा रहेगा। सो अगर मैं मोटा मोटी कहूं तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर हर उस बंदे के लिए अच्छा है जो पहले काफी सेविंग्स करता था, इन्वेस्टमेंट करता था और पूरी डिडक्शंस क्लेम करता था। सो 2 से 2,50,000 की डिडक्शन क्लेम करना पहले भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, वो कर ही सकता था। सो उस केस के अंदर तो वो पहले वाला टैक्स स्ट्रक्चर उन सब लोगों के लिए बेटर ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई डिडक्शन ज्यादा क्लेम नहीं करता था, और लेट से काफी लोग ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, या फिर किसी साल में हो सकता है आपको कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, आप ज्यादा क्लेम ना करना चाहते हो डिडक्शंस को, आप ज्यादा सेविंग्स ना करना चाहते हो किसी साल के अंदर, सो ऐसे केस में आपको न्यू टैक्स स्ट्रक्चर का बेनिफिट हो सकता है। वहां पे आपके टैक्स लैब ज्यादा हैं और आपका टैक्स रेट काफी कम हो जाता है। सो जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से, वहां पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉक इन होता है वो काफी ज्यादा होता है, 3 साल 5 साल या उससे भी ज्यादा का होता है, तो ऐसे केस में आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाता है। तो अगर आपकी कैश रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर ईयर में ज्यादा है तो आपके लिए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर बेटर हो सकता है। तो यहां पे मैंने पूरी कोशिश करी है ये पूरा टैक्स स्ट्रक्चर को काफी सिंप्लीफाई करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी हो सकता है काफी कंफ्यूजन हो ये न्यू टैक्स स्ट्रक्चर और ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के बीच में। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।